इब्तिदा है उस रब्बे जुलजलाल के बबरकत नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम सामईन को ऐशवाइस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान होने के नाते हमें नया साल कैसे मनाना चाहिए। लेकिन आज के मौजू पर बात करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कीजिए ऐशवाइस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी के बटन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नया साल जब आता है तो हम जिंदगी से एक साल दूर, मौत से एक साल करीब हो जाते हैं। ये नया साल अल्लाह ने हमें दिया है, हम इसकी कदर करें, हम इसके अंदर कुछ नेकियां भर लें। अल्लाह ताला ने वक्त को बहुत कीमती बनाकर कुरान मजीद में पेश किया है। औकात की कसम उठाई है, वल असर, खास तौर पर असर के वक्त की कसम, और ये कुरान की आखिरी सूरत है। इसके बाद कसम कोई नहीं और कुरान भी खत्म हो रहा है। इस कसम की एक मुनासबत उलमा ने यूं समझाई है कि जैसे असर का वक्त आता है तो दिन के जाने में टाइम थोड़ा रह जाता है, शाम अंधेरा आने में टाइम थोड़ा रह जाता है, तो मेरा अल्लाह आखिर कुरान में ये कसम उठा के हमें कह रहा है, वल असर, असर के वक्त की कसम कि जैसे असर के बाद टाइम थोड़ा है, इस दुनिया का टाइम भी बाकी थोड़ा ही रह गया है, तुम्हारी जिंदगियों का भी टाइम थोड़ा ही रह गया है, जो करना है वो जल्दी जल्दी कर लो, गफलत से निकल आओ। चार काम बताए हैं अल्लाह ताला ने असर की कसम उठाकर। एक, ईमान ले आओ, दूसरा अच्छे काम करो, नेक काम करो, कबीरा गुनाहों से बचो, हो जाए तो तौबा कर लो। इंसान खता का पुतला है, गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। एक दूसरे को सबर की दावत दो, अल्लाह ताला ने टाइम को कीमती करके पेश किया है। वह शमसी वदुहा, अल्लाह ताला ने चढ़ते दिन की कसम उठाई। वल्लैलि इज़ा यग्शा, अल्लाह ताला ने रात की कसम उठाई। वह सुबह इज़ा तनफ्फस, अल्लाह ताला ने सुबह की कसम उठाई। वल फज्र, अल्लाह ताला ने फजर की कसम उठाई। जिन चीजों से टाइम बनता है अल्लाह ताला ने उनकी कसम उठाई। अल्लाह ताला ने सूरज की कसम उठाई, चांद की कसम उठाई, अल्लाह ताला ने सितारों की कसम उठाई, अल्लाह ताला ने दिन की कसम उठाई, रात की कसम उठाई, जितने टाइम फिगर हैं इन सब की अल्लाह ने कसम उठाई है। कसम उठाने का मतलब उस चीज में अहमियत पैदा करना और ताकीद के लिए होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने वक्त की कसम उठाकर हमें ये ताकीद की है कि टाइम बहुत कीमती चीज है, इसको जाया करने से बचो। कम अज कम ये कि अगर हम कोई नेकी नहीं कर सकते तो कोई गुनाह भी ना करें। हम बशर हैं, अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह अपने फजलो करम से माफ फरमा देंगे। नए साल का इस्तकबाल शुक्र के साथ होना चाहिए, लेकिन मगरब की आंधियों ने हमारे कई चिराग बुझा दिए। हम भी ये दिन रात को इस तरह मनाते हैं जैसे वो मनाते हैं जिनके सामने न जन्नत है न जहन्नम है न आखरत है, वो तो माजूर लोग हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कोई आखरत क्या है, वो तो बस यही दुनिया जी रहे हैं, इसी को जन्नत बनाने के चक्कर में हैं। जब नया साल आता है तो हम एक साल जिंदगी से दूर हो जाते हैं, एक साल कब्र के नजदीक, मौत के नजदीक हो जाते हैं। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हमने पिछले साल या जिंदगी में जो गुनाह किए हैं इन पर तौबा कर लें। नए साल का इस्तकबाल शुक्र के साथ करें कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें तौबा की तौफीक दी, हमें मजीद वक्त दिया कि अपने गुनाहों पर माफी मांग सकें और आइंदा भी गुनाहों से बचने की तौबा करें।
अल्लाह पाक से दुआ है वो हमें इस्लाम के सुलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने और नेकी की तरफ रागब होने की तौफीक अता फरमाए।